Hello, students. Welcome to Studies Done Right Here. गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका अपनी क्लास में स्वागत है। कक्षा चौथी, विषय परिसर अभ्यास, पाठ का नाम हवा। बच्चों, परिसर अर्थात हमारे आसपास की जड़ चेतन या सजीव निर्जीव सभी प्रकार की वस्तुएं। आपने पिछले पाठों में देखा होगा कि सजीवों को हवा, पानी, सूर्य प्रकाश और भोजन की आवश्यकता होती है। इनमें से यदि एक भी घटक हमें भरपूर मात्रा में न मिले तो पृथ्वी पर किसी भी प्राणी का जीना असंभव है, और ये सभी घटक एक दूसरे पर अवलंबित होते हैं। जैसे कि हवा, जिसे हम प्राणवायु कहते हैं, पानी जो कि जीवनदायिनी है, और मिट्टी अर्थात पृथ्वी जिसमें उत्पादन शक्ति होती है जो हमारी अन्नदाता है। उसी तरह से सूर्य प्रकाश, जिससे हमें प्रकाश, गर्मी, ऊर्जा, भोजन सब कुछ प्राप्त होता है। तो जीवन जीने के लिए इन मूलभूत तत्वों में से आज हम एक मुख्य तत्व हवा के बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। इन दिए गए चित्रों का ध्यान से निरीक्षण करिए। एक व्यक्ति पंप से साइकिल के ट्यूब में हवा भर रहा है। एक लड़का मुंह से रबड़ के गुब्बारे में हवा भरकर उसे फुला रहा है, और एक मनुष्य कार के ट्यूब में यंत्र द्वारा हवा भर रहा है। अब इन चित्रों का निरीक्षण करिए। अगर हम कोई बड़ी बाल्टी पानी से भरी हुई लेते हैं, अब उसमें एक खाली बर्तन डालेंगे। बर्तन को औंधा करके बाल्टी के पानी के पृष्ठ भाग पर अगर हम सीधा पकड़ेंगे और धीरे धीरे दबाकर पानी में नीचे की ओर ले जाएंगे, तो क्या होगा? इस बर्तन को थोड़ा तिरछा करके देखेंगे। तिरछा करने से हमें दिखाई देगा कि पानी के बुलबुले बाहर आ रहे हैं। वास्तव में ये पानी के नहीं, हवा के बुलबुले होते हैं। अर्थात इस प्रयोग से हम ये देख सकते हैं कि बर्तन तिरछा करने पर हवा के बुलबुले बाहर निकलते हैं। साथ ही बगल की आकृति में आप देख रहे हैं, जहाँ की पानी के एक बड़े से फ्लास्क में कई गुब्बारे आपको दिखाई दे रहे हैं और वो तैर रहे हैं। इस प्रयोग से हमें ये समझ में आता है कि हवा पानी से हल्की होती है, और जहाँ हमें न दिखाई दे अर्थात खाली स्थान पर भी हवा होती है। इन प्रयोगों के आधार पर ये सिद्ध होता है कि हमारे चारों ओर हवा है। जैसा कि पहले स्क्रीन में आप देख रहे हैं, आँखों को खाली दिखने वाली जगह पर भी हवा होती है। आप जो पतंग उड़ाते हैं वो भी हवा के कारण उड़ती है। पेड़ जो लहलहाते हैं वे भी हवा के कारण ही लहलहाते हैं। अर्थात हमारे चारों ओर हवा है। अब आइए हम हवा के बारे में थोड़ा और जान लें। हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उसका आकार एक गेंद जैसा गोलाकार है, और इस पृथ्वी के ऊपर चारों ओर हवा है। पृथ्वी के ऊपर चारों ओर लगभग 50 किलोमीटर तक हवा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर लाल तीर के निशान से देख पा रहे हैं। ये पृथ्वी के ऊपर लगभग 50 किलोमीटर तक हवा का आवरण है। पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले हवा के आवरण को ही वातावरण कहते हैं। 50 किलोमीटर तक फैली हुई इस हवा के आवरण में ऊपरी लेयर ओजोन से भरी रहती है। ओजोन लेयर बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ओजोन ऑक्सीजन का ही एक रूप है। यह सूर्य से निकलने वाली अत्यंत घातक यूवी किरणों को अर्थात क्ष किरणों को
पृथ्वी पर आने से रोक देती हैं। ये यूवी किरणें इतनी घातक होती हैं कि ये हमारी त्वचा को सांवला कर देती हैं, यहाँ तक कि इनसे स्किन यानी चमड़े का कैंसर भी हो सकता है। ओजोन लेयर हमारे लिए एक सुरक्षा कवच है, इसके बिना पृथ्वी पर जीना बिल्कुल संभव नहीं है। वातावरण हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये हमारे लिए सूर्य की प्रखर किरणों को छानकर हमारे पास भेजता है, जो हमें अति भयंकर गर्मी से बचाता है। नहीं तो हमारी पृथ्वी भी आग का गर्म गोला बन जाती और रात में गर्मी को बाहर जाने से रोक देती है, जिससे हमें बहुत अधिक ठंडी नहीं लगती। इसके बाद आप ओजोन लेयर के ऊपरी परत को देख सकते हैं, जिसे हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। इसके ऊपर आप देख रहे हैं उल्का पिंड, जो तीन चमकते हुए तारे जैसे दिखाई दे रहे हैं, वे हैं उल्का पिंड। ये उल्का पिंड अंतरिक्ष से गिरने वाले घातक कण हैं। ओजोन लेयर हमें इनसे भी बचाता है। ये कण वातावरण में आते ही जलकर राख हो जाते हैं, अतः हम सभी महाविनाश से बच जाते हैं। अंतरिक्ष सुनसान जगह है, क्योंकि वहां पर वातावरण नहीं है। बच्चों, इन चित्रों को देखिए और सोचिए कि पर्वतारोही और अंतरिक्ष यात्री अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों लेकर जाते हैं? या यदि सैर करने के लिए हम किसी ऊंचाई वाले स्थान पर जाएं, तो श्वसन में कठिनाई क्यों होती है? इसीलिए, क्योंकि ऊंचाई वाले स्थानों पर हवा कम होती है, अर्थात विरल होती है। इसलिए हमें जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन मिलना कठिन हो जाता है। इसीलिए इसकी पूर्ति के लिए हम तेजी से श्वास भी लेते हैं और ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए पर्वतारोही और अंतरिक्ष यात्री अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर भी ले जाते हैं। बच्चों, स्क्रीन पर दिखाए हुए आकृतियों को ध्यान से देखिए। इन आकृतियों को देखकर आपको ये समझ में आएगा कि हम पृथ्वी से जैसे जैसे दूर जाते हैं, वैसे वैसे वातावरण की हवा की परतें विरल होती जाती हैं। अर्थात पहले चित्र में आप देखिए, पृथ्वी के पृष्ठभाग के समीप वाली हवा की परतें सर्वाधिक सघन होती है, अर्थात यहाँ पर हवा की मात्रा अधिक होती है, हवा का दबाव भी अधिक होता है। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, अर्थात पर्वतों की तरफ, वहाँ पर हवा की मात्रा कम होती जाती है। अतः ऊंचाई पर स्थित हवा विरल होती है और पृथ्वी के नज़दीक की हवा सघन होती है। हवा का एक और गुणधर्म है कि हवा में दबाव होता है। इसे सिद्ध करने के लिए स्क्रीन पर आपको दो पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। पहले चित्र में आप देखेंगे कि गुब्बारे में यदि हम हवा भरें तो वह फूल जाता है। यदि हम उस पर हाथ से प्रेशर डालें बाहर से और छोड़ने के बाद, फिर वह अपनी नॉर्मल साइज में आ जाता है, अर्थात अंदर की हवा दबाव बना रही है। उसी प्रकार यदि हम एक ग्लास को पानी से भरें और उसके ऊपर कार्डबोर्ड के एक टुकड़े से उसको ढक दें और उसके बाद हम उसे उल्टा पकड़ें, तो हम देखेंगे कि कार्डबोर्ड का टुकड़ा गिरता नहीं है, क्योंकि नीचे की और बाहर की हवा उस पर दबाव डालती है, जिससे वो गत्ते का टुकड़ा नीचे नहीं गिरता, अर्थात हवा में दबाव होता है। हवा का अगला गुणधर्म है कि हवा ज्वलन में सहायक होती है। इसे सिद्ध करने के लिए हम थोड़ी गहरी कांच की एक तश्तरी लेंगे और उसमें एक मोमबत्ती खड़ा करेंगे। तश्तरी में थोड़ा पानी भर लेंगे।
अब मोमबत्ती को जला देंगे। अब मोमबत्ती पर कांच का एक गिलास उल्टा करके रख देंगे। थोड़ी ही देर में मोमबत्ती बुझ जाती है और गिलास के अंदर पानी का स्तर थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये क्यों हुआ? ग्लास में जो हवा है उसमें ऑक्सीजन गैस होती है। यह गैस जलने में सहायता करती है। ग्लास के अंदर वाली हवा की ऑक्सीजन जब समाप्त हो जाती है तो मोमबत्ती बुझ जाती है और मोमबत्ती गिलास में बंद होने के कारण उसे हवा नहीं मिल पाती। इसके बाद ग्लास में पानी का चढ़ना बंद हो जाता है, अर्थात हवा ज्वलन में सहायक होती है। पृथ्वी का वातावरण हवा द्वारा बना हुआ है। इस चित्र के वृत्त का अर्थ हवा है। यदि उस वृत्त के 5 समान भाग किए गए हैं तो इनमें से एक भाग के बराबर हवा में ऑक्सीजन गैस होती है। हवा में ऑक्सीजन गैस के अतिरिक्त अन्य गैसें भी होती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन गैस। हवा का सबसे बड़ा एक घटक है जो इन घटकों से अलग गैस का घटक है, जिसका नाम है नाइट्रोजन। हवा में ऐसी कई गैसें होती हैं, अतः हवा कई गैसों का मिश्रण होता है। हवा में पाई जाने वाली गैसों में मुख्य रूप से 21% ऑक्सीजन पाया जाता है, जिसे हम प्राणवायु भी कहते हैं। यह ऑक्सीजन श्वसन तथा ज्वलन के लिए आवश्यक होता है। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस वनस्पतियां अपना भोजन तैयार करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। हवा में लगभग 78% भाग, सबसे बड़ा भाग नाइट्रोजन का होता है और 1% भाग में अन्य कई गैसें मिक्स होती हैं, जैसे कि पानी, अर्थात बहुत कम मात्रा में अन्य गैसें मिश्रित होती हैं। पानी की वाष्प भी इनमें से एक है। क्या आपको पता है बच्चों कि सोडा वाटर की बोतल खोलने पर उसमें से बाहर निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होती है। हवा में भी यह गैस थोड़ी मात्रा में होती है और हम यह जानते हैं कि वनस्पतियां सूर्य के प्रकाश में हवा और पानी द्वारा अपना भोजन तैयार करती हैं और भोजन तैयार करते समय वनस्पतियां इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करती हैं। सभी प्राणी जीने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। सभी प्राणी अर्थात मनुष्य और जानवर वातावरण में स्थित ऑक्सीजन का अवशोषण करके श्वास लेते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इन कार्बन डाइऑक्साइड को वनस्पतियां अवशोषित कर लेती हैं और वातावरण को शुद्ध बनाती हैं। अब आप थोड़ा सोचिए और बताइए कि हवा के और क्या उपयोग हैं। तो सबसे पहले तो पूरी सजीव सृष्टि हवा के कारण ही जीवित है। हम और प्राणी अर्थात सभी सजीव ऑक्सीजन के कारण ही जीवित हैं। यदि पक्षी उड़ते हैं तो वो भी हवा के कारण। यदि गेंद और बलून आकाश में उड़ते हैं तो वो भी हवा के कारण ही। साथ ही हवा ज्वलन में भी सहायक है। आकाश में उड़ने वाला एरोप्लेन, पानी में चलने वाली नाव, पतंग, हेलीकॉप्टर, ये सभी हवा के कारण ही चल पाते हैं। साथ ही हवा की तरंगे सुनने में सहायता करती हैं, जिससे हम एक दूसरे की आवाज़ सुन सकते हैं। इसके बाद पवन चक्की, जिसके कारण विद्युत निर्माण किया जाता है और कई महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। तो इतनी उपयोगी हवा को सुरक्षित रखना, प्रदूषण रहित रखना भी हमारा ही काम है। क्या आप जानते हैं कि वायु प्रदूषण के मुख्य क्या कारण हैं? कारखानों, वाहनों, कचरों की गंदी दुर्गंध और कचरों को जलाने से निकलने वाले धुओं से वायु का प्रदूषण होता है और साथ ही ईंधनों के जलने से भी धुआं बाहर निकलता है। यह धुआं हवा में मिश्रित होता है। साथ ही कोयला, पेट्रोल, डीजल या लकड़ियों के जलने से भी निकलने वाला धुआं हवा में मिश्रित हो जाता है, जिससे वायु प्रदूषित हो जाती है।
इस दूषित वायु से हमें दमा और अस्थमा जैसी फेफड़ों की और श्वास की बीमारी होती है। सिर दर्द, तनाव, बुखार तथा शरीर के सभी आंतरिक अवयवों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः आवश्यक है कि हवा को सुरक्षित रखी जाए, प्रदूषण रहित बनाया जाए। तो अब हम देखेंगे कि हवा को प्रदूषण रहित बनाने के उपाय क्या हैं। हवा को शुद्ध करने का सबसे प्रथम और महत्वपूर्ण उपाय है कि अधिक से अधिक पौधे लगाए जाएं, क्योंकि यही पौधे वातावरण में स्थित कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेती हैं और ऑक्सीजन छोड़ती हैं, जो सभी सजीव सृष्टि के लिए बहुत ही उपयोगी है। घर की हवा को भी शुद्ध रखने के लिए छोटे प्लांट्स लगाना बहुत ही आवश्यक है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर बंद कचरे के डब्बों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे दूषित हवा वातावरण में न फैले। वायु प्रदूषण रोकने का तीसरा मुख्य उपाय है कि डीजल और पेट्रोल की स्थान पर CNG का उपयोग किया जाए, अर्थात कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इससे वातावरण में धुआं नहीं मिश्रित होगा और वायु शुद्ध होगी। आइए देखते हैं हमने क्या सीखा। हमारे चारों ओर हवा होती है। जो स्थान हमें खाली दिखता है वहां भी हवा होती है। दूसरा, पृथ्वी के चारों ओर हवा का आवरण है, उसे ही वातावरण कहते हैं। तीसरा, पृथ्वी के समीप वाली हवा की परत सघन होती है, जबकि ऊपर वाली परतें क्रमशः विरल होती हैं। हवा कई गैसों का मिश्रण है, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प। ये हवा के मुख्य घटक हैं। स्वाध्याय। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। एक, खाली बर्तन में भी डैश होती है। उत्तर, हवा। दो, पृथ्वी के पृष्ठभाग से ऊंचाई पर स्थित हवा उसके पृष्ठभाग के समीप वाली हवा की अपेक्षा डैश होती है। उत्तर, विरल। तीन, हवा के 5 समान भाग करें तो उसका एक भाग डैश का होता है। उत्तर, ऑक्सीजन। चार, पृथ्वी के समीप वाली हवा की परतें ऊपर वाली परतों की अपेक्षा डैश भार उठाती हैं। उत्तर, अधिक। उचित जोड़ियां मिलाओ। एक, पृथ्वी का आकार। उत्तर, गेंद जैसा गोलाकार। दो, पृथ्वी की हवा का आवरण। उत्तर, वातावरण। तीन, हरी वनस्पतियां। उत्तर, भोजन तैयार करना। चार, ईंधनों का ज्वलन। उत्तर, धुएं का निर्माण। पाँच, पृथ्वी पर स्थित हवा में। उत्तर, पानी की वाष्प। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखो। एक, वातावरण का क्या अर्थ है? उत्तर, पृथ्वी के चारों ओर वाले आवरण को वातावरण कहते हैं। दो, ज्वलन में सहायता करने वाले हवा के घटक को क्या कहते हैं? उत्तर, ज्वलन में सहायता करने वाले हवा के घटक को ऑक्सीजन कहते हैं। तीन, भोजन तैयार करते समय वनस्पतियां किस गैस का उपयोग करती हैं? उत्तर, भोजन तैयार करते समय वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करती हैं। Thanks for watching and don't forget to like, share and subscribe.